गाइडेंस के लिए क्या करना है, अपने टीचर्स से कंसल्ट करो, अपने ट्यूशन टीचर से कंसल्ट करो, बड़े भाई बहन से कंसल्ट करो, और अगर इनमें कंफर्टेबल नहीं हो तो ये कंबाइंड एजुकेशन हमेशा आपके साथ है। आप मेरे को डीएम कर सकते हो, क्या उठाना है, क्या उठाना है, मॉडल पेपर उठाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। कितने ईयर्स की भाई, 5 साल की, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, और कोई ऐसा बंदा उठा लो जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए हो और उसके मार्क्स ना बने हो। क्या आप जानते हैं कि 70% से ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं जेके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने के लिए? आइए साथ मिलकर आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इस चीज को बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कंबाइंड एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ सकेंगे, और उन्हीं मेथड्स के साथ आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा आती है, जिसकी वजह से वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है लैक ऑफ प्रेपरेशन। जब तक आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं होगी ना, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में, तो क्या आप अपने स्कूल टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाओगे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। स्टूडेंट अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते कि किस समय उनको क्या चीजें पढ़नी है, अगर ट्यूशन लगाई है, स्कूल जाती है, तो कब सेल्फ स्टडी करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसके कारण स्टूडेंट्स मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, वो है एंजाइटी। जब वो एग्जाम देने जाते हैं ना, देखो आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप एक आंसर को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब आपने 2-3 घंटे लगा के एक चैप्टर को पढ़ा, आंसर को पढ़ा, लेकिन जैसे ही आप स्कूल टेस्ट देने गए, बोर्ड एग्जाम देने गए, तो इतना प्रेशर आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया, इतनी एंजाइटी हुई, क्या आंसर ही भूल गए, चैप्टर ही भूल गए, जिसके कारण आपके मार्क्स बनेंगे ही नहीं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाता। लेकिन क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन नहीं है? क्या कोई ऐसे मेथड्स नहीं है जिनके कारण स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके? तो बिल्कुल वो मेथड्स हैं, उन्हीं के बारे में अब हम 1 by 1 बात करने वाले हैं। तो क्या है वो मेथड्स जिनके कारण आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं? उसमें पहले नंबर पे चीज आती है बेस्ट प्रेपरेशन। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपकी प्रेपरेशन भी बेहतर करनी पड़ेगी अपने आप को। अब बेस्ट प्रेपरेशन का मतलब क्या होता है, यहीं पे बड़े सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेपरेशन मतलब बुक उठाई उसको रट्टा लगाना, बुक उठाई उसके क्वेश्चंस को रट्टा लगाना, ऐसी चीज करना बेवकूफी है। तो फिर प्रेपरेशन का मतलब क्या आता है? प्रेपरेशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए की जाती है उसका मतलब है, बेस्ट तरीका है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। क्या उठाने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लो आप SST का पेपर देने जा रहे हो या SST की प्रेपरेशन कर रहे हो, क्या करना है? पिछले 5 साल के, 5 साल के क्या उठाने हैं? 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। 2025 में आप अपना एग्जाम दोगे तो कौन से उठाने हैं? 24 का, 23 का, 22 का, 21 का और 20 का। ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। हर एक जो आपका सेट है ना, ABC या XYZ, उनको सॉल्व करना है। यहां पे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यहां पे कोई भी MCQ, कोई भी शॉर्ट आंसर, कोई भी लॉन्ग आंसर, कोई भी वेरी शॉर्ट आंसर, कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये होती है प्रेपरेशन की बेस्ट टेक्निक। अगर आपने 5 previous year क्वेश्चन पेपर किए मेरी जान, तो 80% क्वेश्चंस आपके वहां पे रिपीट होंगे। जो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उसमें 80% क्वेश्चंस रिपीट होंगे अगर आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए। बेस्ट प्रेपरेशन में एक और मेथड आता है मॉडल पेपर उठाने। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके मॉडल पेपर उठाओ।
लेट्स सपोज आप इंग्लिश की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो जेके बोर्ड ने मॉडल पेपर दिए हैं, मॉडल पेपर उठाओ, 3 से 4 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर का जो साथ साथ में साइकिल चलेगा ना, ये साइकिल आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं और सैंपल पेपर या जिसको हम मॉडल पेपर बोलते हैं वो भी चीज करनी है साथ में। तीसरी चीज जो बेस्ट प्रिपरेशन में ही आती है वो है आंसर राइटिंग। क्या करना है, क्या करना है, आंसर राइट करना है। अब आप मेरे को कमेंट करके एक चीज बताना कि आपने स्कूल में एक क्वेश्चन सीखा या कोई टॉपिक जो है उसको सीखा, घर आके आपने उसको रिवाइज किया होगा, लर्न किया होगा, लेकिन उसको लिखा कितने लोगों ने, ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपकी मेमोराइज नहीं होगा वो आंसर। और बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ याद नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में याद किया हुआ लिखना है। तो आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन भाई अभी से स्टार्ट कर दो अगर बोर्ड एग्जाम में टिकना चाहते हो। तो अगर बोर्ड एग्जाम में टिकना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो हर एक क्वेश्चन को लिखो, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके बोर्ड एग्जाम में वो आंसर आप अच्छे से लिख पाओगे। और ज्यादा फोकस किन क्वेश्चंस पे करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है और मॉडल पेपर में है। दूसरा मेथड जिसके कारण आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो वो है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में ना 2-3 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो जो 11th और 12th से ही जेई की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं या नीट की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। और उन दोनों के क्लासेस की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि 11th क्लास के साथ साथ जेई और नीट की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है और 12th क्लास के साथ साथ जेई और नीट की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भी जेई या नीट के स्टूडेंट हो जो 11th या 12th से ही प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो वो वीडियो आप जरूर से चेक कर लेना। उसके बाद एक चीज आती है, अगर आप 8th 10th के स्टूडेंट हो या 11th 12th के स्टूडेंट हो जो अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, फिर क्या करना है, आपको 5 घंटे देने हैं स्कूल में। 5 घंटे किसमें होंगे, स्कूल में। 2 घंटे आपको मैं मान के चलता हूँ आप ट्यूशन में लगाते हो, 2 घंटे ट्यूशन में। घर आके 2.5 से 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, सेल्फ स्टडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर करने हैं। जब स्कूल में अगर कोई टेस्ट मिला है, ट्यूशन में अगर कोई टेस्ट मिला है, उस चीज को करो। ज्यादा फोकस किसको देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, मॉडल पेपर पे, इनके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, जो आंसर आप पढ़ोगे उसको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करो मेरी जान। अगर आपने एक आंसर को कम से कम 2-3 बार लिख लिया ना, फिर अगर वो बोर्ड एग्जाम में आया तो उसमें आंख बंद करके आप लिख सकते हो। ये एक मुहावरा है, आंख बंद करके लिखना, मतलब किसी भी टेंशन के बिना आप उस आंसर को लिख सकते हो। ये चीज आपको करने पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद एक मेथड आता है वेट गेनिंग चैप्टर्स। देखो मेरे जान, करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस उठाना है। आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सिलेबस उठाओ। सिलेबस से ना आपको ये चीज पता लगेगी कि आपको कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आएगा। फिर करना क्या है, मान लो कोई चैप्टर आपको 10 मार्क्स में आएगा, या 10 में तो होता नहीं, मान लो हम 8 मार्क्स का लगा के चलते हैं। एक चैप्टर है वो आपको 8 मार्क्स में आएगा और दूसरा चैप्टर है जो आपको 2 मार्क्स में आएगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, सबसे पहले ना हम 2 मार्क्स वाला चैप्टर कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, फिर डिफिकल्ट चीजें करेंगे। ऐसा नहीं करना मेरे जान, सबसे पहले जो ज्यादा मार्क्स कैरी वाला चैप्टर है उसको उठाना है। इसके पीछे का रीजन क्या है, जब आप वो चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद ज्यादा टाइम आपको बचेगा उस चैप्टर के रिविजन के लिए। पहले अगर आपने 2-2, 1-1, 2-3-3 मार्क्स वाले चैप्टर कर लिए ना, तो वो हाई वेटिंग मार्क्स वाले चैप्टर उसी टाइम पे कंप्लीट होंगे जब समय होगा मॉडल पेपर करने का, सैंपल पेपर करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फोड़ने का। तो सबसे पहले अपने हार्ड मार्क्स वाले चैप्टर, ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर को उठाओ। उसके बाद एक और चीज करनी है, उसके बाद एक और मेथड आता है सीक गाइडेंस। देखो मेरी जान, अब अगर आप 8th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो,
तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब इस गाइडेंस का हम कहाँ से लें, तो जो आपके स्कूल टीचर हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, जो आपके ट्यूशन टीचर हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, आपके अगर कोई बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। और अगर इन सभी से बात करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो भाई कॉम्बाइंड एजुकेशन आपके साथ हमेशा है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज कॉम्बाइंड एजुकेशन पे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कॉल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस के लिए कॉम्बाइंड एजुकेशन हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये वो कुछ मेथड्स हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अभी से, आज आपने वीडियो देख ली, कल से इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरी जान, अगर आपने ये इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज इम्प्लीमेंट कर लो, और अगर टेक्निक्स पसंद आई है, अगर मेथड्स पसंद आए हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, ऐसे ही जेके बोर्ड के रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी कॉम्बाइंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। बलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, या चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि कई सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करोगे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इससे भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हमेशा बना के ला सकूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सनातन धर्म की जय है।